शिवरात्रि महोत्सव कमेटी की ओर से 7 मार्च दिन वीरवार को निकाले जाने वाली 37वीं विशाल शोभा यात्रा से संबंधित एक विशेष बैठक का आयोजन स्थानीय सखी मंदिर बाग वाली गली में शोक बंसल, शिव मोदगिल एवं दविंदर बंसल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शोभा यात्रा की तैयारियों के विषय के बारे में विचार विमर्श किया गया और प्रभु का गुणगान भी किया गया। इस अवसर पर बाग वाली गली शॉप एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रजीत गुप्ता ने मथुरा में विशाल कैरिडोर एवं मंदिर बनाने और रहने सहने की अच्छी व्यवस्था बनाने की अपील की और मीटिंग में पधारे सभी शिव भक्तों का धन्यवाद भी किया। इस अवसर पर बोलते हुए कमेटी के अध्यक्ष सुनील मेहरा ने बताया कि शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ का रथ, बाबा गणपति का रथ, माँ काली का रथ, श्री बालाजी का रथ एवं अयोध्या में बने भगवान श्री राम के मंदिर का रथ भी साथ में चलेगा। इस अवसर पर श्री बजरंग बली मंदिर गुड़मंडी के प्रधान श्री पवन शर्मा ने श्री राम मंदिर अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति स्थापना की बधाई दी। इस बैठक में सर्व श्री सुनील मेहरा, संजय गुप्ता, संजीव शर्मा, सीएम हांडा महेश शर्मा, संजय थापर, अश्विनी महाजन, अमित गुप्ता, नरेश अग्रवाल, राजेश कुमार, संजय बाबा आदि उपस्थित थे। जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। कमेटी जी आज एक विशाल मीटिंग सखी मंदिर मनेरी गली अंदर अशोक बंसल जी, शिव मोदगिल जी, रविंदर बंसल जी उन्होंने अध्यक्षता से भी संपन्न हुई। मीटिंग का भी 7 मार्च में 37वीं विशाल शोभा यात्रा की तैयारियों के लिए धूम धाम तैयारियां करने का योजना तय की गई। भगवान भोलेनाथ का रथ, भगवान गणपति का रथ, महाकाली का रथ, बाबा बालाजी का रथ और प्रभु राम का अयोध्या मंदिर का रथ भी इस शोभा यात्रा चलेगा। 22 जनवरी एक इतिहासिक दिन, 500 साल के बाद साढ़े नसीब साढ़े पागल प्रभु राम टेंट विचों निकल के भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके के उत्ते जिथे सारे विश्व के अंदर 52 देशों की दीपमाला की जाएगी, पूरे हिंदुस्तान च, पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों, बाजारों, दुकानों, घरों दीपमाला की जाएगी। 500 साल बाद प्रभु का और दिन देखने का शुभ अवसर प्राप्त होया। शिव मंदिर गऊकार के अंदर कल लंगर, भंडारे, महासंगीर्तन, महाआरती होएगी। आओ लुधियाना निवासियों, कल की दिवाली 500 साल बाद की दिवाली, 14 साल बाद प्रभु राम जब अयोध्या आए सी तो पूरी दुनिया ने दीपावली मनाई सी, अज 500 साल के बाद अयोध्या के इस राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम भव्य मंदिर च आएंगे। आओ उस मंदिर के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी के अंदर असी सब लोग दीपमाला करिए। कल शिव मंदिर गऊघाट शाम को 7 से 9 तक असी पहुँच के भव्य दिवाली करांगे, महासंकीर्तन करांगे, महाआरती होएगी और महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। हर हर महादेव। आज सखी मंदिर दे विच शहर का प्राचीन मंदिर सखी मंदिर, इस दे विच शिवरात्रि महोत्सव कमेटी के वालों 37वीं विशाल शोभा यात्रा के उपलक्ष्य विशाल मीटिंग रखी गई, जिसे अपने पूरे लुधियाने शहर तो शिव भगतान ने हिस्सा लिता है और ये इस संस्था के प्रधान श्री सुनील मेहरा जी और डॉ संजय गुप्ता जी ने अनाउंसमेंट की है कि इस बार की शोभा यात्रा अलौकिक होगी, जिदे भगवान भोले शंकर जी का रथ, बाला जी का रथ, श्री गणेश जी का रथ, नाल भद्रका जी का रथ होगा। उस दे नाल नाल जो प्रभु जी का राम दरबार मंदिर बनया है वह भी रथ चलेगा और सारे भगतों में इस शोभा यात्रा के प्रति बहुत उत्साह है, बहुत ही सारे उत्साह न काम कर रहे हैं और इस बार की शोभा यात्रा बहुत ही अलौकिक और बहुत ही दर्शनीय होगी और सारे भक्त उत्साह है। जयकाराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव।